देवता एवं रसिक दर्शकों को विनम्र अभिवादन करते हुए एलोरा मुंबई प्रस्तुत खिड़की के उस पार। लेखन एवं निर्देशन त्रिलोकीनाथ मिश्र। प्रकाश योजना शंकर भगत। नेपथ्य जयवंत मिस्त्री। संगीत संभाजी भोरे। कलाकार जज किरण आशीष। मुख्याधिकारी कैलास रविंद्र केंजले। हवलदार हरिराम त्रिलोकीनाथ मिश्र। कैदी विश्वास विकास साटविलकर। पत्रकार किशोरी ममता कुमार। जानकी विजयालक्ष्मी लोंढे। अली प्रवीण भिरंगी। एलोरा मुंबई प्रस्तुत खिड़की के उस पार। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूतों एवं चश्मदीद गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी विश्वास ने पूरे होशो हवास में जानबूझकर लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर यदुराज का कत्ल किया है। भारतीय संविधान की दंड संहिता की धारा 302 के तहत ये अदालत कैदी विश्वास को आरोपी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाती है। ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। मुझे कोई गम नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने पूरे होशोहवास में यदुराज को मारा है और उसे मारकर मैंने समाज से गंदगी साफ की है। मैंने कोई गलती नहीं की। हां, गलती तो हुई है कि मैंने उसे देर से पहचाना। हो सकता है कि मेरे इस कृत्य को गलत माना जाए, पर मेरी शब्बो उसकी क्या गलती थी? न जाने कितने लड़कियों को नौकरी देने के बहाने यदुराज ने उन पर बलात्कार किया होगा। यदुराज कोई संत पुरुष नहीं, वो एक बलात्कारी था। और ऐसे बलात्कारी को अगर मैंने मारा है तो मैंने कोई गलती नहीं की। राम ने भी तो रावण को मारा था, कृष्ण ने कंस का वध किया, तो ऐसे दुराचारी की अगर मैंने हत्या की तो मैंने क्या गलती की? मुझे कोई गम नहीं है। चला दो मुझे फांसी पर, लटका दो सूली पर, मुझे कोई गम नहीं है। मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने कोई गलती नहीं की। यहां आकर मन में उदासी छा जाती है। आखिर ये कोई सैर सपाटे की जगह तो है नहीं कि यहां खुशी से उछल कूद की जाए। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं किशोरी, एक संवाददाता।
मैं यहाँ समाचार प्राप्त करने अक्सर आती हूँ। मैं हरिराम हूँ, मैं अली के इंतजार में हूँ। मुझे मुझे आज उस फंदे को जांचने का कार्य दिया गया है और ये सोचते ही मैं घबराहट सा महसूस करने लगता हूँ और मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। आप यहाँ नए हैं ना? जी। क्या क्या आपने पहले कभी किसी को फांसी पर लटकते हुए देखा है? कई बार, इतने कि उन्हें सोचते सोचते अच्छी नींद आ सकती है। उनमें से कईयों की तो खबरें भी छापी है मैंने। मेरा आज का ये पहला है और अभी से मेरी आंखों के सामने उस फंदे से झूलता एक व्यक्ति का चेहरा नजर आ रहा है और ये ख्याल आते ही मैं अपने आप को बीमार सा महसूस करने लगता हूँ। अच्छा तो यही होगा कि आप इस विषय में सोचना ही छोड़ दें। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और तब यह कार्य आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। खैर, विश्वास के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो तो बिल्कुल सामान्य है मैडम। जैसे कि उसे फांसी के फंदे पर नहीं बल्कि फूलों की सेज पर चढ़ा रहे हो। उसे देखकर ये विश्वास ही नहीं होता कि एक घंटे बाद उसकी मौत होने वाली है। मेरे ख्याल से विश्वास उसका असली नाम नहीं होना चाहिए। जी, मेरा भी यही ख्याल है। अब तक सरकार उसके किसी भी रिश्तेदार को खोज पाने में असमर्थ रही है। कितनी आश्चर्यजनक बात है, आज एक 22 साल के नौजवान को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मेरे ख्याल से गलती हम लोगों से ही कहीं हो रही है। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। कितने ही बच्चे बड़ी ही सरलता से गलत राह पकड़ लेते हैं। दरअसल हर बच्चे के मन में एक उत्साह होता है और इसी उत्साह की वजह से वो कभी कभी गलत हाथों में पड़ जाता है। रास्ते में लोगों को लूट कर पैसे कमाने का सरल तरीका उन्हें पता चलता है और किसी दिन यदि कोई उन्हें पैसे देने से इनकार करता है तो उसे मौत के घाट उतार देते हैं ये लोग, और तब इनके लिए बचता है सिर्फ फांसी का फंदा। मैंने विश्वास को देखा है, काफी कम उम्र है पर है बड़ा बहादुर। होगा, वैसे पहली बार मुझ में भी इसी तरह की घबराहट थी जब मैंने किसी को फंदे से झूलते देखा। पर अब वैसे ये तो अच्छी बात है कि आज मुझे ये फांसी नहीं देखनी होगी। मैंने सोचा आप आज की फांसी के बारे में कुछ लिखेंगी। लिखना तो है ही, पर खिड़की के इस पार के बारे में। आज मैं अली के बारे में लिखूंगी। ये फंदा कसने के लिए जब वो बटन दबाएगा तो उसकी प्रतिक्रियाओं को देखूंगी। उसे पूछूंगी कि वो बटन दबाते वक्त किसी को मौत के घाट उतारते वक्त उसे कैसा महसूस होता है। क्या आप अली के बारे में कुछ जानते हैं? उसे देखा जरूर है पर मुझे नहीं लगता कि वो आपसे कुछ बात करेगा। वैसे भी समाचार पत्रों ने उसके बारे में काफी कुछ उल्टा पुल्टा छाप रखा है। मैं जानती हूँ कि बातचीत के दौरान मुझे उससे ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होगी, पर वो मुझे फांसी देते समय उसे देखने से रोक तो नहीं सकता। मैं तो ये भी जानती हूँ कि उस वक्त भी शायद मुझे उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया न मिले, क्योंकि वो बटन दबाना, किसी को मौत के घाट उतारना उसके लिए एक आम बात हो गई है। वो मछलियों की तरह ठंडा हो गया है, जैसे कि उसके नसों में गर्म खून का प्रवाह ही ना हो रहा हो, जैसे कि उसके सीने में कोई दिल ही न धड़कता हो। पता नहीं हली इस धंधे में कैसे आ गया। क्या कहा? धंधा? और नहीं तो क्या, ये उसके लिए एक धंधा ही तो है। हर बार वो बटन दबाने के अच्छे पैसे मिलते हैं उसे। फांसी देना एक धंधा है? धन्यवाद, मेरी कहानी के लिए एक अच्छा मुद्दा है। ये रकम काफी नहीं है मैडम अपनी आत्मा को बेचने के लिए। अरे अली के पास न तो दिल है न मन और न ही आत्मा, वो तो
वो तो एक दीवार की तरह चेतनाहीन है, उसके लिए उन पैसों की कीमत एक जान से ज्यादा है। सावधान, वो आ रहा है। हेलो हेलो अली, मैं हरिराम, मुख्याधिकारी कैलाश ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। हाँ ठीक जी, समाचार पत्रों ने आपको अमानुष बताया है, एक ऐसा इंसान बताया है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। अब आपकी बारी है, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। देखिए, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही छापूंगी, लोगों की भावनाओं को आपके पक्ष में कर दूंगी। तो बताइए कि जब फंदा कसने के लिए आप ये बटन दबाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? हरिराम जी, मैं फंदे की जांच करने जा रहा हूँ जी, जब मैं पुकारूं तब वो बटन दबाना। मूर्ख इंसान, अब मैं तुझे पृथ्वी का शैतान साबित करके ही रहूंगी। हरिराम जी, बटन दबाना जी। हाँ ठीक है, छोड़ दो। हे भगवान, ये जानते हुए भी कि अभी उस फंदे में किसी व्यक्ति का कोई सिर नहीं है, मुझे ये बटन छूने तक में घृणा होती है। पता नहीं हली ये काम कैसे करता है। अरे राम जी, मुख्याधिकारी से जाकर कहो कि फंदा तैयार है। जी अच्छा। देखो अली, आज संपादक ने मुझे तुम्हारे बारे में लिखने को कहा है, कुछ बोलो वरना संपादक की डांट सुननी पड़ेगी। अच्छा, अगर अपने बारे में नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे फांसी के बारे में कुछ बताओ, इस धंधे में तुम कैसे आए ये बताओ। पहली बार और अब फांसी देने में तुम्हें क्या फर्क महसूस होता है? तुम कौन हो, कहां के रहने वाले, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? ठीक है, यदि तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं खुद तुम्हारे बारे में लिखूंगी। मैं अभी जाकर मुख्याधिकारी से मिलती हूं और फांसी देते समय तुम्हें देखने की मंजूरी लेकर आती हूं। ये काम क्यों, आपको करना ही क्या है, एक बटन ही तो दबाना है। पर उस खिड़की के उस पार जो होगा उसका क्या? उसके लिए आप थोड़े ना जिम्मेदार होंगे, उसके लिए जिम्मेदार होंगे उसे फांसी की सजा सुनाने वाले, उसे फांसी के फंदे तक लाने वाले और उसके गले में फंदा डालने वाले। आपको ये सब थोड़ी ना करना है, आपको तो अंत में जाकर एक बटन ही दबानी है। पर अंत में बटन दबाने की जिम्मेदारी तो मेरी होगी ना? हाँ, लेकिन आपकी और भी तो जिम्मेदारियां हैं। आज स्कूल खुले हुए 4 महीने बीत गए, हम आज तक बबलू के लिए किताबें नहीं खरीद पाए, मुन्नी का बैग भी दोनों तरफ से झांक रहा है, 4 सालों में मुन्नी के लिए दूसरा बस्ता भी नहीं खरीद पाए हम। जानकी, जानकी, इन सब बातों का इससे क्या लेना देना है? लेना देना है लेना देना। अगर आप ये काम करने के लिए तैयार होते हो ना तो उसके अलग से पैसे मिलेंगे, जिससे हमारी परेशानियां कुछ हद तक कम हो जाएगी। नहीं, तुम कुछ भी कहो, मुझसे नहीं होगा ये काम। क्यों नहीं होगा? अरे आखिर करना ही क्या है आपको, एक बटन ही तो दबाना है।
किसी को मौत के घाट उतार देना है। आप नहीं उतारते उसे मौत के घाट। तुम्हें ज्यादा समझ में आता है? आप कब समझोगे? नहीं, कुछ भी हो मैं नहीं कर सकता ये काम। बस क्यों नहीं कर सकते हो? अरे करना ही क्या है आपको, एक बटन ही तो दबाना है और खिड़की के उस पार जो भी होगा उसे आपको क्या लेने देना। जानकी, खिड़की के उस पार उस फंदे में एक सिर होता है, जीते जागते इंसान का। हाँ, लेकिन वो सिर किसी साधु संन्यासी का नहीं होता है। पर होता तो इंसान है ना। हाँ, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी उसकी हरकतें किसी शैतान से कम नहीं होती है। नहीं होगा, नहीं होगा, मुझसे ये काम नहीं होगा। आप समझते क्यों नहीं हो? जानकी, जानकी तुम क्यों नहीं समझती हो? मैं नहीं समझना चाहती आपकी बातें। मेरी समझ में आती है सिर्फ बबलू की किताबें, मुन्नी का फटा हुआ बैग और यूनिफॉर्म और रोज आपका आधे पेट खाकर रुक जाना। जानकी, जानकी आखिर मैं क्या करूं? आप मेरी बात मानिए। देखिए, आप अगर ये काम नहीं करोगे ना तो कोई और करेगा और फिर आप वही रहोगे चौकीदार के चौकीदार। सुनिए, अली साहब की मदद से आप यदि आप ये काम सीख लेते हो तो आपकी नौकरी तो चलेगी ही और बटन दबाने के मिलेंगे वो अलग, जिससे हमारी परेशानियां कुछ हद तक कम हो जाएगी। और वैसे भी आपके अधिकारी साहब भी तो यही चाहते हैं ना कि आप ये काम सीख ले। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। विश्वास की क्या प्रतिक्रिया? वो तो बिल्कुल सामान्य है हुजूर, बैठा सिगरेट पी रहा है और चौकीदारों से मौज मस्ती कर रहा है। मैंने सोचा था इतनी कम उम्र में फांसी की सजा सुनकर टूट जाएगा वो। नहीं हुजूर, मुझे नहीं लगता कि वो टूटेगा। वो तो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है, पत्थर का, अपने अली जैसा। हुजूर, क्या राज्यपाल भी इस नौजवान को इस फांसी से नहीं बचा सकते? नहीं हर्रम, उसने जो किया है ना उसकी सजा सिर्फ फांसी होती है। तुम इतने घबराए क्यों? हुजूर, आज फंदे को जांचने का काम मुझे सौंपा गया है ना, और इसका ख्याल आते ही मैं सूखे पत्ते की तरह कांप उठता हूं। मैंने आज से पहले कभी किसी को फांसी पर लटकते हुए नहीं देखा है ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आज तुम्हारे इस काम का पहला दिन है ना। क्या करो हर्राम, किसी और को तो कह भी नहीं सकता, और ये काम करते हुए तुम्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ये अपने काम का हिस्सा है। हुजूर, हुजूर आप विश्वास मानिए, मैं भी कुछ दिनों में बिल्कुल अली की तरह हो जाऊंगा, एक दीवार की तरह चेतनाहीन, संवेदनाहीन। उसने तो अब तक न जाने कितने लोगों को ऊपर पहुंचाया होगा। मुझे लगता है ये उसे भी याद नहीं होगा।
पिछले 10 सालों से 7 राज्यों का मुख्य जल्लाद रह चुका है वो। ये भी कोई काम है? हरिराम, किसी ना किसी को तो काम करना ही होगा, और मैं अली को पाकर गर्व महसूस करता हूं। देखो अगले 20 मिनट में वो बटर किसी ना किसी को दबाना है, अगर अन्य दबाएगा तो मैं दबाऊंगा। तो तुम हिम्मत मत गवाओ, तुम उसके फांसी के लिए जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हें सिर्फ उसे फंदे से लटकाना है। बटन तो अली दबाएगा, अगर उसकी मौत के लिए जिम्मेदार कोई होगा तो अली होगा, तुम नहीं। आपको किसने आदेश दिया? जी किसी ने नहीं, मैं खुद अंदर आ गई। बोलो क्या काम है, जल्दी बोलिए, मैं काफी व्यस्त हूँ। जी मैं यहाँ आपके जल्लाद से मिलने आई थी, मुझे एक कहानी चाहिए। आपने आने से बात की? वो कोई बात करना ही नहीं चाहता, सिर्फ गुर्राता रहा। मैं जितना बोलती थी वो उतना ही शांत था, पर ये अच्छा ही हुआ। अगर वो बोलता तो मुझे वही लिखना पड़ता जो वो कहता, पर अब मैं वो लिखूंगी जो लिखने में मुझे खुशी होगी। ये फांसी के दिन भी समय भी जल्दी नहीं बढ़ता है, मगर अच्छा हुआ आप चले आए, हमें प्रत्यक्ष गवाह की जरूरत थी। हमारा ये काम हो जाएगा और आप अली की प्रतिक्रिया पढ़ सकती हो। जी शुक्रिया। क्या बात है हरिराम? मैंने अभी अभी विश्वास को देखा है, मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता था और मैं चला आया। उसे किस तरह नहीं देख सकते? उसका खून होते हुए। खून? और नहीं तो क्या, यह खून करना ही तो है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह कानूनन खून है, और आज मुझे भी इस खून में शामिल होना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये नौकरी अच्छी नहीं लगती तो छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता ना, नहीं छोड़ सकता, यही तो मजबूरी है। मेरा भी परिवार है, मुझे पैसों की जरूरत है। हली साहब, क्या आप ये जानते हैं कि जब भी आप वो बटन दबाते हैं तो खिड़की के उस पार उस फंदे से एक व्यक्ति लटक जाता है, उसकी गर्दन लंबी हो जाती है। जी हाँ जानता हूं, पर किसी ना किसी को तो ये काम करना ही होगा। तुम्हारा परिवार है तो तुम्हें ये नौकरी जारी रखनी पड़ेगी। जी देखो अलीराम, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अली साहब, मैं आपका सचमुच आभारी रहूंगा। देखिए देखिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप अपने आप को इतना चेतनाहीन और संवेदनाहीन कैसे बनाए रखते हैं, और वो भी ऐसी केस में जब कैदी की उम्र सिर्फ 22 या 24 का हो। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता हूं, और ये तुम्हारा पहला अध्याय है। जिसे फांसी दी जा रही हो उसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त मत करो, उसके बारे में कभी किसी से बात मत करो, समाचार पत्र मत पढ़ो। पिछले 10 साल से मैंने कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ा है, इसी डर से कि उनमें उसमें किसी के बारे में कुछ लिखा ना हो। मैं जब वो बटन दबाता हूं तो किसी इंसान को नहीं मारता, मैं सिर्फ एक नंबर मिटाता हूं, सिर्फ एक नंबर। मेरी जिंदगी का आज का ये 320वां नंबर है। बस मैं सिर्फ इतना जानता हूं, इतना ही जानना चाहता हूं, इससे ज्यादा और नहीं। यानी कि आपको ये नहीं पता होता कि उस फंदे में किस व्यक्ति का सिर है? नहीं। ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है। आज के बाद मैं भी कभी किसी कैदी के बारे में
कुछ जानने की कोशिश नहीं करूंगा, कभी समाचार नहीं पढ़ूंगा, कुछ सोचने की बात नहीं करूंगा। अली साहब कुछ और बोलिए, कुछ और बताइए ताकि मैं अब कुछ और ना सोचूं। क्या वक्त हो रहा है? दस मिनट बाकी है। समय देखने के लिए इतनी अच्छी सुनहरी घड़ी, और वो भी जब कोई व्यक्ति फंदे से लटकने वाला हो, जब एक नंबर मिटने वाला हो। याद रखो, आज से 4 साल पहले मैंने ऐसी ही 2 घड़ियां बनवाई थी, एक अपने लिए और एक अपने ग्रेजुएट बेटे के लिए, अपने सुधार मित्र से उसे इनाम के तौर पर देने के लिए। यानी कि आपका भी परिवार है, आपका भी बेटा है। अली साहब, आपका बेटा क्या सोचता है आपके इस नौकरी के बारे में? नहीं, उसे नहीं पता कि मैं ये काम करता हूं। अच्छा, ये बताइए, आपका बेटा क्या काम करता है? कौन? सलीम। सलीम एक बड़े कंपनी में सेल्समैन की जगह पर है, बड़ा ही तेज, बहादुर और भरोसेमंद लड़का है मेरा। पिछले 4 साल से वो उस कंपनी में कार्यरत है, अब तो उसकी तरक्की भी हो चुकी है। वो दूर दूर दौरे पर भी जाने लगा है। पिछले 2 साल से मैंने उसे देखा तक नहीं है, काफी काफी व्यस्त रहता है ना वो, इसलिए। पर मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूं। आखिर एक वही तो है मेरे लिए। यानी कि आपने भी ये नौकरी अपने परिवार के लिए ही की है? हाँ, कुछ हद तक। आज से 10 साल पहले सलीम बहुत बीमार हो गया था, ऑपरेशन की सख्त जरूरत थी। मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, इसलिए पैसे नहीं थे। उस समय सलीम की उम्र लगभग 12 साल की होगी। सलीम की मां उसके बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई थी। तब मैं लगभग पागल होने की स्थिति में पहुंचा था, और मुझे ये नौकरी मिल गई सिर्फ बटन दबाने की, और मैंने स्वीकार कर ली। फिर सलीम ठीक हो गए, हम दोनों दोस्तों की तरह रहने लगे, एक साथ खाना पीना, एक साथ घूमना फिरना। इस नौकरी से मुझे इतने पैसे मिलते कि हम दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। फिर सलीम हाई स्कूल गया, ग्रेजुएट हुआ, कितना खुश हुआ था वो जब मैंने उसे ऐसे वाली घड़ी इनाम में दी थी। वो मुझे हमेशा कहता, अब्बू मैं इस घड़ी को अपने से कभी जुदा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ग्रेजुएट के बाद उसे ये काम मिला, पैसे कमाने की उसे बड़ी चाह थी। उसके जीवन में मेरे बाद अगर कोई चीज थी तो वो थी सिर्फ पैसा। अब तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, बहुत बड़ा। हरिराम, समय हो गया, जाओ उसे फांसी पर लटकाने में मदद करो। जी जाओ। अली साहब, आपने मुझसे बात करके मेरा हौसला बढ़ाया है, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा।
धन्यवाद धन्यवाद। सुनो, याद रखो, तुम जो करने जा रहे हो वो तुम्हारे परिवार के लिए, न कि अपने लिए। और जो फांसी पर चढ़ता है वो सिर्फ एक नंबर होता है, सिर्फ नंबर। मैं वो बटन दबाता हूं और अपराध अपने सिर लेता हूं, क्योंकि उसके बदले में मुझे पैसे मिलते हैं जिससे मेरे परिवार का पेट भरता है। अन्यथा मैं भी ये काम कभी नहीं करता। जाओ, 456 को फांसी पर लटकाने की ये मदद करो। जाओ जी। आप फिर यहां? वो बटन दबाते वक्त तुम्हें और तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को देखने की मंजूरी मैंने मुख्य अधिकारी से ले ली है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्या तुम्हें? नहीं। धन्यवाद। वे लोग उसे ला रहे हैं, हरिराम के साथ है। वो नौजवान खुद चल रहा है, सर उठाकर चल रहा है, चेहरे पर काला कपड़ा डाल रहे हैं। हे भगवान, वो काफी नौजवान है। चुप रहो, चुप रहो, उसके बारे में कोई बात मत करो, चुप रहो। सॉरी। अरे सब तैयार है? जी जी हुजूर। ठीक है। अरे हाँ, जो फांसी पे जा रहा है उसने कहा है जो फांसी का बटन दबाएगा उसको दे देना। हुजूर, दस, नौ, आठ, सात, छः, पांच, चार, तीन, दो, Hmm.
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।